हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ से दूर करूंगा, ऐसी गलत फहमी से कि जैसी आपको कभी किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो दोस्तों, जो भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, आपको तो पता ही, आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि लोग घरों में फ्री बैठे हुए हैं। तो जितने भी नौजवान यंग लड़के हैं, तो वो चैनल पर चैनल बनाते जा रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको इस चीज़ से, गलत फहमी से दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका चैनल दिन ब दिन डेड होता जाएगा। ठीक, तो वो गलत फहमी सभी यूट्यूबर के लिए, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या फिर कोई बड़ा जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं वो हो, तो उस गलती से हमें कैसे बचना और वो गलती क्या है, ये मैं आज आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए शिखर ट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कंपटीशन भैया आजकल यूट्यूब पे इतना है कि जितना आप मान लो कि जैसे आप लॉकडाउन में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे भी लाइन लगी होती है। तो वैसे ही आजकल कंपटीशन यूट्यूब पे भी है, लोग चैनल पे चैनल बनाते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग आजकल शॉर्ट वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के वायरल होने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसलिए आप भी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि जो हमें नहीं करनी है, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया, मनोज भाई हो गया, या टेक्निकल योगी हो गया, क्या कभी उनके चैनल पे आपने शॉर्ट वीडियो देखी? मुझे पता है कि किसी ने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो नहीं डालते हैं। उन्होंने शॉर्ट वीडियो के लिए अपने अलग चैनल रखे हुए हैं, जैसे व्लॉग्स हो गया, कोई भी चैनल हो गया, अलग चैनल बनाए हुए हैं जिसपे वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। तो बाकी के लोग क्या करते हैं कि जो उनका अपना खुद का चैनल है, मतलब जिसपे वो रेगुलर वीडियो डालते हैं, लॉन्ग वीडियो डालते हैं, तो उस चैनल पे अपनी शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती भैया मत करो, क्योंकि अपने चैनल के साथ ऐसी हरकतें मत करो। अगर आपने कुछ बनना है, जिस चैनल पे आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो उस पे शॉर्ट वीडियो मत डालो, तो जिस पे शॉर्ट डाल रहे हो उस पे लॉन्ग वीडियो मत डालो। मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक देता हूँ, आप जाओ वो अप्लाई करो, कि आपका जो लॉन्ग वीडियो का चैनल है उस पे आप एक शॉर्ट वीडियो डाल दो, देखना वो वायरल होगी। अगर आपकी लॉन्ग वीडियो पे 600 या 700 व्यू आते हैं, तो आप एक शॉर्ट वीडियो डाल के देखना, उस पे इतने व्यू नहीं आएंगे। अगर 700 आते हैं, तो उस पे 200 या 100 से भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो के हमारे होते हैं सब्सक्राइबर, ठीक, उनको आदत होती है सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखने की, बस वीडियो को ऐसे करते हैं और देखते रहते हैं। जो लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो ये नोटिस मेरा आपके लिए बस इसीलिए है कि आप अपने लॉन्ग वीडियो डालने वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो मत डालो, ठीक है। ये गलती मत करो भैया अपने चैनल से, अगर आपने अपने चैनल को ग्रो करना है तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको शॉर्ट वीडियो डालना ही है, तो आप उसके लिए एक अलग चैनल बना लो, जैसे वो बड़े यूट्यूबर्स भी बनाते हैं, उन्होंने भी अपने शॉर्ट वीडियो के लिए चैनल अलग बनाए होते हैं। तो वो हम लोगों की तरह ये कांड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने चैनल के साथ जिस पे लॉन्ग वीडियो डालते हो उस पे शॉर्ट वीडियो मत डालें, शॉर्ट वीडियो के लिए अलग चैनल बना लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ताकि आपका जो वीडियो है वो वायरल हो पाए और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, वैसे करने से चैनल भी ग्रो करेगा। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो डालने वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालोगे, तो भैया आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा और ना ही सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करेगा। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अलग चैनल बना लीजिए शॉर्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, क्योंकि आप जाके चेक कर सकते हो, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी बड़े यूट्यूब के चैनल पे कोई भी शॉर्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। तो इसलिए आप ही अलग चैनल बना लें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो मेरा काम है भैया आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है या नहीं करना है, अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालने हैं, चैनल को फिर से वापस डेड करना है या उसको ग्रो करना है, ये आपकी मर्जी है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू दोस्तों।